शांति। आज की तारीख है 7/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक कि मीठे बच्चे बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है, माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाएंगे, वो पक्के निश्चय बुद्धि भी होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे और बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, वो लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई भी खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी ये कोर्स उठाना है। नंबर 2, बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का उच्च पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हरेक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है, करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।